आपका क्वेश्चन है एन आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो इसमें क्या बोला है कि देयर इज अ सर्कल, तो दिस इज द सेंटर। अब इसने क्या बोला है देखो, आर्क, दैट मीन्स आर्क आपका कैसे होता है, लाइक तो दिस इज योर आर्क फ्रॉम हियर टू हियर। अब देखो इसने क्या दिया है, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस इज 15 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या दिया है, एंगल इज 45, तो दैट मीन दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली, तो पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आर्क, और यू कैन से द लेंथ ऑफ द आर्क, एनीथिंग यू कैन राइट। तो वी विल राइट हियर लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, दैट दे हैव गिवन यू 15, है ना। ये देखो लेंथ ऑफ द आर्क दे हैव गिवन यू 15। अब इसके अंदर आप अपनी वैल्यू पुट करो, तो देखो क्या आ रहा है, थीटा इज 45 डिग्री, तो वी विल राइट हियर 45 बाय 360 इनटू 2 इनटू पाई एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस दैट इज 15, है ना। तो अब देखो क्रॉस कट करना है, कट कर लो, तो कितना होगा देखो, 45 एंड दिस इज योर 8 टाइम्स, तो 1/8। नाउ इसको कट करना है, इसको कट कर लो 2 एंड दिस इज योर 4, तो व्हाट इज योर, अब देखो यहां पर कितना बचा आपका, पाई आर बाई 4 इज इक्वल टू 15, तो व्हाट इज योर आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है आपका, आर इज इक्वल टू 15 इंटू 4 इज 60 बाई पाई, तो दिस इज योर इन सेंटीमीटर, तो दिस इज योर रेडियस, ठीक है।